उससे पहले आज एक्सपर्ट्स अपनी कॉल्स क्या दे रहे हैं। कुछ पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि आपकी सारी बाय कॉल्स है फिर। जी हाँ प्रियंका, दैट्स द केस फॉर यू नो अ व्हाइल नाउ, एंड आई एम जस्ट ग्लैड टू सी कि यू नो वो जो सारे बाय कॉल्स हैं वो अभी रिवॉर्ड हो रहे हैं, बिकॉज जब आप फॉलिंग मार्केट में बाय करते हैं तभी आप ऐसे यू नो जो मार्केट में बाउट्स आते हैं या जो राइज आते हैं तब उनको राइड कर सकते हैं। अ केस इन पॉइंट, एंड दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट, HGS हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज। आपको ध्यान होगा ये स्टॉक हम काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं, इनफैक्ट 900-950 के लेवल से डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट वीक भी हमने इसको 1070 के टारगेट्स के लिए यू नो सजेस्ट किया था। ठीक वहीं पे स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया है फ्राइडे को, एंड यू नो इसकी जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है ये कंटिन्यू हो रही है। तो अगर किसी के पास ये स्टॉक ऑलरेडी हो तो इसे बेचने की यू नो जल्दबाजी ना करें, इसे होल्ड करें। यहाँ पे अभी भी यू नो काफी अपसाइड यू नो बाकी है, तो 1100 के टारगेट्स के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर नहीं किसी ने बाय किया तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 1030 के स्टॉप लॉस के साथ। जो मेरा दूसरा कॉल है, दैट इज रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। इस स्टॉक में हम काफी समय से बहुत अच्छा एक यू नो कंसोलिडेशन अक्यूमुलेशन देख रहे हैं विद एन अपवर्ड बायस। इस स्टॉक में अभी एक ब्रेकआउट आना बाकी है, सो अगर ये भी कोई ये भी एक ऐसा स्टॉक है कि अगर आपका मिस हो गया हो, आपने अभी तक नहीं बाय किया हो, तो इसमें अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें जो टारगेट है ये 115 के हैं और 100 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। जो तीसरा कॉल है, दैट इज इंडियन होटल्स। स्टॉक में हम एक जरा सा करेक्शन देख रहे थे कुछ समय से, लेकिन अब स्टॉक ने एक बेस बना के एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री यू नो फिर से रिज्यूम की है। फ्राइडे का जो इसका मूव था ये काफी एनकरेजिंग था, बिकॉज इसके जो 220 के रेजिस्टेंस लेवल्स थे उसको स्टॉक ने कन्विंसिंगली क्लोज करके यू नो क्रॉस करके उनके ऊपर की क्लोजिंग दी है, विच इज ऑल्सो अबव इट्स ऑल यू नो ऑल मूविंग एवरेजेस, जो इसके टाइम होराइजन है वेरियस टाइम होराइजन उन सभी के ऊपर लाके इसको प्लेस कर दिया है, विच इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन। यहाँ पे आप यू नो फ्रेश एंट्री भी इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ आपका टारगेट होगा इमीडिएट बेसिस पे 240 का और 220 का आपका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। चलिए तीनों के तीन खरीदारी की कॉल्स। इंडियन होटल्स में करीब 2.5% की तेजी हमने फ्राइडे सेशन में देखी थी खरीदारी। यहाँ पर रेस्टोरेंट एशिया, जो कि बर्गर किंग के नाम से जाना जाता था, नाम बदला है। रेस्टोरेंट एशिया 115 के टारगेट, और उसके अलावा HGS पर भी खरीदारी की राय। कुछ क्विकली बताइए इसमें से कॉल ऑफ द डे क्या होंगी। HGS, हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज, विल बी द कॉल ऑफ द डे। हिंदुजा ग्लोबल पर फोकस रहेगा। प्रशांत, आपके ट्रेडिंग पिक्स आज के होंगे? मानसी, मेरा फर्स्ट पिक होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा गैप की तरफ जा रहा है, बट मैं डेफिनेटली इसमें लो रिस्क बाय रखना चाहूंगा और मैं इसको खरीदूंगा विद द स्टॉप लॉस बिलो 2240, 2240 के नीचे फॉर अ टारगेट ऑफ 2500। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बहुत अच्छी रैली के लिए रेडी है, मोमेंटम के साथ ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसमें मैं डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा सेंचुरी टेक्सटाइल, जो एक बहुत अच्छे पैटर्न में आ चुका है। यहाँ से इसने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर डिप लिया हुआ है, वहां से बहुत चांसेस है कि ये बहुत अच्छी रैली दे, तो मैं सेंचुरी टेक्सटाइल में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 740, 740 के नीचे, और मेरा टारगेट होगा 850 फर्स्ट टारगेट और 885 टारगेट टू, यानी 850 और 885। यही मेरी कॉल ऑफ द डे भी होगी, और इस गैप अप को यूज करके मैं एक शॉर्ट ट्रेड देना चाहूंगा। तो अगर मुझे इस गैप अप में TCS करीबन 3330-3340 के रेंज में मिल जाए, यानी करीबन यहां से 1% ऊपर गैप अप मिल जाए, वहां पे मैं TCS में एक स्टॉप लॉस के साथ लो रिस्क शॉर्ट लेना चाहूंगा। और मुझे लग रहा है IT एक रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, और मेरा स्टॉप लॉस होगा अबाउट 3375-3380 के ऊपर। मेरा टारगेट इसमें होगा 3150। तो मेरे दो बाय कॉल्स, एक शॉर्ट कॉल्स, इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा विद द कॉल ऑफ द डे एज सेंचुरी टेक्सटाइल्स। ठीक है, सेंचुरी टेक्सटाइल आपकी कॉल ऑफ द डे भी है, पर सारे ट्रेड्स वापस से दिखाते जाइएगा। और दूसरा HUL, प्रशांत कह रहे हैं बाय करेंगे, सेल करेंगे TCS को। कुल मिला के IT को लेकर उनका अभी भी कन्विक्शन नहीं बैठ रहा, वैसे भी IT का रोल ओवर का डाटा भी थोड़ा कमजोर है, ये बात भी हमने नोटिस की है। अच्छा, सुमित से भी उनके ट्रेड ले लेते हैं। सुमित जी, आपने जरा सौदे बताइए तो आज के। सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इवेंट ऑफ द डे से। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का लॉन्चिंग है, बाप ऑफ SUV स्कॉर्पियन का जो न्यू वर्जन है। सर, एडवांस बुकिंग में भी उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज सेल फॉर द मॉडल। तो सर, मैं इसी अपसाइड को कंटिन्यूएशन देख रहा हूँ। अगर टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आया हुआ है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये स्टॉक 1050 से लेके 1060 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट आ चुका है। तो मेरा एक अपसाइड एक्सपेक्टेशन है 1130-1168 का लेवल, और इसको मैं एक इनिशियल फ्राइडे का ही लो एक स्टॉप लॉस रखूंगा 1028 के लिए। जो मेरा सेकंड कॉल रहेगा सर,
गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज सीपी, सरे से काफी अच्छा एक वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला हुआ है फ्राइडे सेशन में। लास्ट टू आवर्स में एक वॉल्यूम के साथ उस पर ग्रोथ देखी गई है। तो सर एक 800 के लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, सो 838 एंड 857 विल बी माय टारगेट्स एंड 770 विल बी माय स्टॉप लॉस। सर जो तीसरा हमारा स्टॉक रहेगा ये एक डिलीवरी बेस रहेगा, असाही इंडिया ग्लास। सर इसमें वॉल्यूम के साथ डिलीवरी ग्रोथ भी देखा गया है। आप अगर पिछले लास्ट वीक का ग्रोथ देखें तो उसने पिछले 6 से 8 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम बनाया है, तो उसके बेसिस पे हम इस पे थोड़ा सा बुलिश व्यू रखते हैं। अगर किसी का 3 से 6 महीने का नजरिया है तो करंट मार्केट प्राइस 538 पे हम एंट्री ले सकते हैं। 676 विल बी फर्स्ट टारगेट, 756 विल बी सेकेंड टारगेट। डाउन साइड में एक 438 का स्टॉप लॉस रख के हम कर सकते हैं। तीनों शेयर बहुत ही शानदार है। असाही इंडिया तो क्या पिछले 2-3 दिन से चल भी रहा है, और आपने आज जो बताया ना M&M का बाप आज लॉन्च होने वाला है, स्कॉर्पियो नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कॉर्पियो और बुलेरो उसकी अपनी पहचान है, और आज नई जो M&M की गाड़ी आ जाएगी स्कॉर्पियो N, तो वो आज की लॉन्चिंग है। तो ये अपने आप में बहुत ही गजब का आपका ट्रेड है, M&M, गोदरेज सीपी और असाही इंडिया। M&M की इस लॉन्च की बात भी पिछले हफ्ते से हम लोग कर रहे हैं। नहीं पता क्या, कुछ गाड़ी ना आइकॉनिक होती है, आप फिर ये बात भूल जाते हैं कि कंपनी कौन सी है। जैसे अगर आप भूल जाएं कि मैगी कौन सी कंपनी बनाती है, मैं आपको एक सैंपल सर्वे करके बता सकता हूँ कि 10 में से 4 लोगों को ये नहीं पता होगा मैगी बनाता कौन है। तो जो प्रोडक्ट की लॉयल्टी है ना वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप कंपनी की लॉयल्टी को भूल जाते हैं, अपने आप में ब्रांड बन जाता है, ब्रांड हो जाता है। तो कुछ कुछ स्कॉर्पियो के साथ भी यही है। अब स्कॉर्पियो बोले तो मैं बता सकता हूँ, रेंडमली हो सकता है 2 लोग मारुति की भी बोल दें उसको, बड़ी बात नहीं है। बढ़िया, अच्छे ट्रेड है आज के, और आज के